न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। 2018 त्रिपुरा में एक सियासी दुर्ग ध्वस्त हुआ था। माणिक सरकार के नेतृत्व में लगभग दो दशक से चल रहे लेफ्ट फ्रंट की सरकार को हराकर भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में अपनी सरकार बनाई। बीजेपी का नारा था चलो पलटाई, जिसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने विजय संकल्प जनसभा में बात की। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था चलो पलटाई, और चलो पलटाई के नारे को त्रिपुरा की जनता ने जन जन का नारा दिया, जन जन का नारा बनाया। हमारे नारे को आपने स्वीकार किया और पूर्ण बहुमत के साथ IPFP और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। बीजेपी ने अपने धुरंधर और दिग्गज नेताओं को त्रिपुरा की रणभूमि में प्रचार के लिए उतार दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के लिए प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। त्रिपुरा की धरती पर 2018 के बाद वो बातें नहीं दिखेंगी, और आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि हम लोगों ने त्रिपुरा की धरती से लाल आतंकवाद को अलविदा कह दिया और उसको समाप्त कर दिया। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि 2018 में आप लोगों ने लंबे समय से चली आ रही CPM की सरकार को पलट दिया और भारतीय जनता पार्टी की आपने सरकार बनाई। उस समय हम लोगों ने नारा दिया था चले पलटाई, आज हम नारा देना चाहते हैं चलो सुशासन को मजबूत बनाई। कांग्रेस राम सेवकों को तोड़ करके भगवान राम के स्क्रिप्ट पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी, भगवान श्री कृष्ण के स्क्रिप्ट पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी, और यूपीए के शासनकाल में आपने देखा होगा घोटाले पे घोटाले, रोज एक नया घोटाला कांग्रेस का सामने आ जाता था। मोदी जी त्रिपुरा को पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास का राजनीति दे रहा है, और CPM क्या दिया था, संतोष का राजनीति दिया था। देश में कोई जगह में CPM नहीं। मुख्यमंत्री माणिक साहा भी डोर टू डोर प्रचार में व्यस्त हैं। त्रिपुरा की रणभूमि में इस बार बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भतीजे और तृणमूल के महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ बीजेपी को टक्कर देने आ पहुंची हैं। डबल इंजन तृणमूल कांग्रेस हटाबे, तृणमूल कांग्रेस हटाबे, तृणमूल कांग्रेस हटाबे, तार मध्ये বাংলার সাথে ত্রিপুরাও সাথ দেবে, মেঘালয়ও সাথ দেবে, অন্যান্যরাও সাথ দেবে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় বাংলা, জয় ত্রিপুরা, বাংলা ত্রিপুরা দুই ভাই বোন, ঠিক আছে, ভালো থাকবে সকলে। कांग्रेस और लेफ्ट, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से त्रिपुरा में एक दूसरे के साथ लड़ाई की, आज वो बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हो गए हैं। पर इस बार पूर्वोत्तर के सियासी गलियारों में एक महाराज और उनके क्षेत्रीय दल की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। टिपरा मोथा वाले महाराज प्रद्योत किशोर बीजेपी के लिए सरदर्द बन चुके हैं। अलग राज्य यानी कि ग्रेटर टिपरा लैंड के मुद्दे पर वो आदिवासी वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने त्रिपुरा मोथा को वोट किया तो वो वोट CPM का और कांग्रेस का होगा। इसका मतलब है कि त्रिपुरा मोथा बीजेपी और CPM का बी टीम है। 60 विधानसभा वाले त्रिपुरा में बीजेपी ने 2018 में 36 सीटों पर जीत हासिल की थी। उनके साथ गठबंधन में IPFT यानी कि इंडिजेंस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को 8 सीटें मिली और लेफ्ट सिर्फ 16 सीटों में सिमट कर रह गई। पिछली बार कांग्रेस और तृणमूल के खाते में कुछ नहीं आया। 2023 में सबकी नजर उन 20 आदिवासी सीटों पर है जहां पर लड़ाई त्रिकोणीय है। बीजेपी,
आईपीएफटी बनाम कांग्रेस, लेफ्ट बनाम टिपरा मोथा। इस बार क्या टिपरा मोथा फैक्टर त्रिपुरा के समीकरण को बदल सकता है? क्या बीजेपी के लिए दूसरी बार जीत हासिल करना सरल होगा? क्या लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन त्रिपुरा में कोई कमाल दिखा पाएगा? क्या तृणमूल बंगाली वोटों को विभाजित करेगी? कहते हैं त्रिपुरा में त्रिपुरा सुंदरी देवी के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं होता। ये पौराणिक मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। अपना चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले सारे नेता मां के दरबार में जरूर जाते हैं। चुनावों का आकलन और त्रिपुरा की जनता के मन की बात जानने से पहले हम भी मां त्रिपुरा सुंदरी माता के मंदिर पहुंचे मां का आशीर्वाद लेने। और त्रिपुरा चुनाव के हर पहलू को समझने के लिए प्रदीप भंडारी चल पड़े। त्रिपुरा का चुनावी मूड और चप्पा चप्पा देखिए प्रदीप भंडारी के साथ। त्रिपुरा चुनाव के अंदर कौन जीतेगा? क्या सीपीएम जीतेगी, क्या माता बाजी मारेगी, या अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के?
इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।